नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट गुरुजी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं औरोबिंदो फार्मा स्टॉक के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो इस स्टॉक में स्पेसिफिकली हम लोग जो है टेक्निकल लेवल्स पे बात करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल्स पे ऑलरेडी स्टॉक के बारे में हमने कई बार बातें कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लोग टेक्निकल लेवल्स पे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा अगर आपने अब तक द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसी के साथ बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर हम लोग स्टॉक का हाई देखें, रिसेंटली इस स्टॉक ने अगस्त मंथ में लगाया था, तो उसके बाद स्टॉक में कंसिस्टेंटली यहाँ पे जो है गिरावट हुई है। अगर यहाँ पे हम लोग एक चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक जो है एक पैटर्न में गिर रहा था। इसका मतलब है जब भी यहाँ पे स्टॉक जो है इस लेवल पे जो है गया था, उसको स्टॉक गिरा था, इसकी जो है नीचे की लाइन है इसका सपोर्ट लिया स्टॉक ने, फिर से इसके ऊपर टिकने की कोशिश की, और यहाँ पे अगर हम लोग जब ऊपर गया तो इसी लाइन का सब जो है रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक फिर से यहाँ पे जो है नीचे गिर रहा था। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे स्टॉक ने एक क्लियरली ब्रेकआउट दिया है 11th of November को, और उसके ऊपर करंटली स्टॉक जो है यहाँ पे टिकने की कोशिश हम लोग कर रहा है ऐसा क्लियरली। चलिए दोस्तों देखते हैं स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बेस्ड ऑन प्योर पॉइंट चार्ट। अगर हम लोग स्टॉक का पहला रेजिस्टेंस देखिए जो निकल कह रहा है 832 रुपए पे, और इस स्टॉक जो है इस लेवल के ऊपर चला गया है। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें दोस्तों 19th of November की, तो यहाँ पे जो है एक बियरिश कैंडल बनी थी, लेकिन इसी लेवल के आसपास ये दोनों जो कैंडल बनी है 19 और 20 नवंबर की, तो उसी लेवल के आसपास का सपोर्ट लिया और इस लेवल को नहीं तोड़ा, तो 832 रुपए का एक बहुत ही अहम सपोर्ट स्टॉक को है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टॉक जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, चैनल के बाहर निकल चुका है, एज वेल एज इस लेवल को जो है यहाँ पे स्टॉक जो है अच्छा खासा यहाँ पे कैरी कर रहा है सपोर्ट को, तो अच्छा खासा यहाँ पे जो है स्टॉक का मूवमेंट आने वाले दिनों में बनते हुए हम लोग देख सकते हैं, अच्छी खासी रैली ये स्टॉक दिखा सकता है अगर स्टॉक 832 रुपए के नीचे नहीं गिरा तो। अगर हम लोग स्टॉक का दूसरा रेजिस्टेंस देखें जो निकल गया 892 यानी कि 900 रुपए के आसपास, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो स्टॉक अगले कुछ वीक में अगर अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट बनता है तो यहाँ पे स्टॉक में अच्छी खासी जो है तेजी हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे मार्केट भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमने यहाँ पे देखा तो मार्केट गिरा तो ये स्टॉक भी यहाँ पे जो है गिरावट के साथ आज 3-4% गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक का तीसरा रेजिस्टेंस देखिए जो निकल के आ रहा है अराउंड 940 रुपए के आसपास, अगर हम लोग वही पे स्टॉक के सपोर्ट की बात कर ले तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर पॉइंट की बात करें जो निकल के आ रहा है 780 के आसपास, और 700 जो है 60 रुपए से 780 के बीच में स्टॉक ने मल्टीपल टाइम इस एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल स्टिक बनी थी 760 रुपए से 780 के बीच में, जहां पे इस लेवल को स्टॉक ने नहीं तोड़ा। अगर आप यहाँ पे भी पीछे आओगे सितंबर मंथ में तो इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने जो है सपोर्ट लिया था, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे जो है फ्रेश खरीदारी करने की सोच रहे हो तो 760 रुपए से लेके 780 एक अच्छा खासा बाइंग जोन होगा अगर आप यहाँ पे कंजर्वेटिव टाइप के निवेशक हो, एज वेल एज आपकी यहाँ पे जो है लंबे टाइम का लक्ष्य होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 730 पे प्योर पॉइंट पे, दूसरा सपोर्ट है स्टॉक का 790 रुपए के आसपास। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक के होल्डिंग की बात करें तो पहले है जिन्होंने ये स्टॉक लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है, तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं है, अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक आने वाले दिनों में भी रैली कर सकता है क्योंकि एक दमदार स्टॉक है, फंडामेंटल बढ़िया है। अगर हम लोग दूसरे यहाँ पे इन्वेस्टर की बात करें, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो है होल्डिंग किए हो और अगर आप यहाँ पे जो है पोजिशनल ट्रेडर हो, तो यहाँ पे अगर आप होल्डिंग करके पोजिशनल ट्रेडर यहाँ पे रख रहे हो तो यहाँ पे आपको जो है 840 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट है, उसको ध्यान रखना होगा। अगर स्टॉक इसके नीचे जाते हुए आपको दिखेगा तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है तो वहां से स्टॉक अच्छा खासा रैली देने के संकेत दे रहा है। अगर हम लोग तीसरे यहाँ पे बात करें तो फ्रेश निवेश की, तो करंट लेवल की बात करें तो ये जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया पहला जो निकल के आ रहा है अराउंड जो है 840 के आसपास का, तो वहां पे आप फ्रेश बाइंग करने के लिए सोच सकते हो अगर आप यहाँ पे एग्रेसिव टाइप के निवेशक हो, लेकिन आप रुकना चाहते हो, वेट करना चाहते हो, तो मैंने ये जो लेवल है 860 रुपए से लेके 870 रुपए, तो इस लेवल के आसपास कहीं आपको ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे आप जो है खरीदारी करने के लिए सोच सकते हो, फ्रेश एंट्री करने के लिए सोच सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल एनालिसिस, डेफिनेटली आप आपका खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बाद इस स्टॉक में एंट्री एग्जिट के बारे में सोचिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।